मुझे उन्हें, मैं, मेरे गाने वाने नहीं है पिक्चर में, मैं थोड़ा खतरनाक टाइप का कैरेक्टर है मेरा, बहुत उस टाइप का, बहुत पावरफुल एक रोल है जो लाइनों से भी आपको पता लग रहा है। तो मैं आई थिंक ऐसा कैरेक्टर मेरा अगर गाने वाने गाने लग जाएगा तो बड़ा अजीब लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा वो म्यूजिकल चीज़ों से मेरे को उसकी वो नहीं है अभी जानकारी, वो सर डेफिनेटली बाकी की टीम जो है दे विल प्रोवाइड यू विद डिटेल्स। हेलो कपिल सर नमस्ते, मेरा प्रश्न कपिल जी से है। सर आप एक बड़े पॉलिटिशियन हो और आपने हाल ही में एक बुक भी लॉन्च की है एल्बम, और प्लस अभी आप जो लिरिक्स लिए इस मूवी के लिए, कैसे आप टाइम निकाल रहे हो एक तो बात वो है, और सेकंड थिंग ऐसे कई लिरिक्स आपके पास हो तो उसमें आप आपका ये पैशन कैसे बढ़ गया लाइक अबाउट राइटिंग लिरिक्स। नहीं, मैं शुरू से ही लिखने पढ़ने का शौक था और बढ़ता गया। जब मैं स्टूडेंट था तब भी लिखता था, और फिर मैंने दो किताबें भी अंग्रेजी की पोइम्स की पब्लिश की हैं मैंने। और मुझे ऐसा लगा कि अंग्रेजी की पोइम्स ज़्यादा चलती नहीं है क्योंकि ऑडियंस बहुत कम थी है, तो क्यों ना हिंदी में शुरुआत की जाए। तो पहले तो बहुत झिझकता था कि मैं लिख भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन बच्चा प्रयास किया तो ठीक ठाक लगा। और कुछ मेरी अंग्रेजी की जो पोइम्स थी उर्दू में ट्रांसलेट हुई, उसको म्यूजिक दिया गया, और गुलशन कुमार जी मेरे पुराने दोस्त और क्लाइंट भी थे, तो भूषण जी को मैंने कांटेक्ट किया और वो हंसने लगे, सोच रहे थे कि ये पॉलिटिशियन आदमी है, ये कैसे लिख पाएगा। तो आए वो दिल्ली आए, उन्होंने जब सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, फिर प्रीतम वगैरह के साथ मेरी मुलाकात करवाई। तो कई गाने जो मेरी प्राइवेट कलेक्शन में हैं अभी भी मेरे पास हैं, दे वर पुट टू म्यूजिक। तो मेरे लिए हरिहरन ने गाया है, अरिजीत ने पहले भी गाया है, प्रीतम ने म्यूजिक भी दिया है, ललित ने भी दिया है, और कई लोगों ने म्यूजिक दिया है, वो मेरी प्राइवेट कलेक्शन है। और फिर यशोधरा ने दो मौके मिले, एक बंदूक में मेरा डुएट मैंने लिखा था, और फिर इस दौरान ये मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि स्क्रीन द्वारा ही जो आपके साधारण विचार हैं वो जनता के बीच पहुँच जाते हैं, पहुँच सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया मीडियम है। और अगर आपको एक एक्सेप्शनल म्यूजिशियन मिल जाए जैसे निलाद्री जी हैं, और एक एक्सेप्शनल टैलेंट मिल जाए, तो समझ लीजिए कि सोने में सुहागा। तो आई थिंक इस मूवी के द्वारा जो लिरिक्स मैंने लिखे हैं, जिसकी वजह से जो सोल है लिरिक्स की वो निलाद्री जी ने दी है, तो जब जनता तक पहुंचेगी तो उनको समझ, ये समझ में जरूर आएगा कि मोहब्बत के द्वारा कोई और रास्ता जिंदगी में है ही नहीं। नहीं, पहले मुझे कहानी मुझे सुनाई गई, और फिर निलाद्री जी मेरे पास आए, और फिर मतलब कई महीने लगे ये लिरिक्स लिखने में, क्योंकि उसको स्टोरी के साथ जोड़ना, डायलॉग के साथ जोड़ना, वो इमोशन जो सबटेरेनियन फैक्टर है सारी फिल्म में, उसको लिरिक्स के साथ जोड़ना ये कोई आसान काम नहीं होता। और मैं तो बड़ा अनाड़ी हूँ इन चीज़ों में, तो मैंने प्रयास किया और ठीक ठाक ही लग रहा है। हाँ, जरूर सुनेंगे, जरूर लिखेंगे और सुनेंगे। लेकिन ये आपने, इन्होंने सही कहा जिमी जी ने, कि भैया एक्टर को पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए और पॉलिटिशियन को एक्टर भी नहीं बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन ही रहना चाहिए और एक्टर को एक्टर ही रहना चाहिए, और कुर्ते पजामे पे भी नहीं आना चाहिए ऐसे जैसे प्रोग्राम में। माय क्वेश्चन सुहा जी। Actually, I have a certificate as a lifeguard, and but still, it was extremely very difficult to hold your breath under the water, and it was quite a long day of shooting, and
I had only one problem, that was a dress. That was extremely tight, so I couldn't breathe properly. And but still, by the end of the day, we made a really, really amazing work, and the teamwork was very fine. And I had a lot of support down under the water, and now I'm seeing it for the first time, and I'm really excited. It looks amazing. Yeah, but as a lifeguard, it was very, very difficult for me as well. So yeah. Training nahi kiya, but like I'm doing mostly swimming twice a day. So and then before the shooting, I started to hold my breath under the water and swimming for a longer time than an hour. So preparation kiya maine. फिर भी एंड में थोड़ा सा मुश्किल हो गया. My character in the movie, she is a very innocent and lovely girl, and she has a beautiful friendship with Raghu. She is growing up together, and then she's about to get married to Salim. So she is very kind. She loves everyone. Everyone loves her. She's all the time smiling. And in this movie is actually the story about Zainab, how her life changed completely. And when I read about the script and I met Pranav, so I was, in the first second, I felt very connected to Zainab. And so mostly of the time, I was also completely all the time thinking, like Jimmy Sir also said, what kind of a look you're giving to the character. So, and I thought maybe a little weight gaining, that she should have the look of a normal village girl. And yeah, that's a character. She's actually not thinking about anything. She is completely fine with her life. And everything is normal, lovely, college. Yeah, that's it. सभी को मेरा नमस्कार. टेलीविजन पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा था, और ये सफर जो है, खास तौर पे मैं बोलूं तो पिछले कुछ सालों में टेलीविजन में और फिल्म में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा. अंतर सिर्फ पर्दे का है, इनेक्टमेंट अभिनय वही चीज है. बस ये है कि थोड़े से पैमाने बदल जाते हैं, बजट बदल जाता है, चीजें और जगह बदल जाती है, और साथ के जो को एक्टर्स होते हैं वो बदल जाते हैं. तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस जो है वो अब नहीं रहा है, तो करने में भी मजा आता है. और मैं इस फिल्म में जब आया तो उस समय भी मैं एक सीरियल कर रहा था, उस समय सब टीवी का यम है हम, तो प्रणव से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा है फिल्म है, 10-15-20 दिन का काम है, ऐसा है. तो मैंने कहा यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पता लगा कि सिब्बल साहब हैं, गाना मुझ पर फिल्माया जाएगा, और जिमी वहाँ पर हैं, आशुतोष जी वहाँ पर हैं, तो मैंने कहा इन लोगों के साथ काम करने का एक अपनी एक अलग मजा है, एक अलग रवानगी है. तो बस उस चीज़ को मान के आगे बढ़ गए और फिल्म आपके सामने है, और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. और ख़ास तौर पे कुछ एक सीक्वेंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें जो एक डेथ सीक्वेंस होता है रघु का, और जो स्ट्रगल है जैनब का, और जिस तरीके से एक तरफ पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, और उस तरफ पूरा एक जो एक सफ़र जो है, पूरा एक क्रिसेंडो जो है फिल्म का, इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड डेफिनेटली पीपल वुड वॉच एंड दे वुड लव माय वर्क. थैंक यू सो मच. माय क्वेश्चन इज ये आपका रोल यहाँ, ये आप विलेन का रोल अदा कर रहे हो, तो क्या बताएंगे कुछ इसमें कितना आपका खून खौल उठा? गुड इवनिंग यार, मैं इसको जो कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ मुस्तकीम, उसको विलेन नहीं कहूँगा. मुझे लगता है कि हम जब एक्टिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उसे एक बैक स्टोरी देते हैं, जस्टिफाई करते हैं उनके एक्शंस, और किसी के लिए भी जो भी आप करते हो वो गलत नहीं होता. इंस्टिंक्टिवली उस वक्त आप समझते हो कि आप सही कर रहे हो. सो मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म में जो मुस्तकीम ने जो भी किया या जो कर रहा है या भड़काया गया वो सही है, लेकिन बस ये कह रहा हूँ कि मुझे वो नेगेटिव नहीं लगा. और खून कितना खोला, वो तो गर्मी से ही खोल रहा था और कुछ नहीं. कुछ 48 डिग्रीज थे वहाँ, बिना पंखे के भी हम शूटिंग कर रहे थे. बहुत सब ने बहुत मेहनत की. इनफैक्ट सुहा बेहोश भी हो रही थी, उन्होंने मुझे कुछ 25 टाइम थप्पड़ मारे थे, बस तभी खून खोला, नहीं तो बहुत ठंडे थे हम. शुक्रिया.
Yeah, I guess so. We just saw the Madari trailer a week or so back, and now this. So I guess, yeah. Kapil ji, काफी कितने संतुष्ट लगे आपको ये एक नेता की भूमिका में? जी भी. कुछ अच्छी तरह से निभा रहे थे. नहीं, आप तो इतने सारे मतलब अपोजिशन और कुछ ऐसी एक्टिंग मैंने पॉलिटिशियन में नहीं देखी. किससे सीखा मतलब? ये कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष, ये तो इनसे पूछना पड़ेगा. क्या है सर कि आजकल ना आप लोग क्या करते हो कि ट्रेलर ही देख के बस एक्टिंग को ग्रेड करने लग जाते हो, क्या किया है काम यार, ये है वो है सर. वो पिक्चर भी देख लो, उसमें भी अगर अच्छा काम किया तब बोलो. अभी तो क्या चक्कर है कि वो ट्रेलर देख के क्या एक्टिंग की है. अरे ट्रेलर में क्या एक्टिंग होती है? ट्रेलर में तो कट कट के चीजें आई हुई है, एक्टिंग तो दिखती नहीं है ट्रेलर में. तो किरदार आपका दिखता है कि भाई ये है वो है. पर आजकल वो बड़ा अजीब सा हो गया कि ट्रेलर को ही देख के लोग बोलने लग जाते हैं क्या एक्टिंग की है यार, क्या एक्टिंग. पहले पूरी पिक्चर देखो तब बोलो. क्या पता पिक्चर में बहुत गंदी एक्टिंग की हो. आप समझ रहे हो ना? बाकी ये किरदार जो है ये कोई फिक्टिशियस पार्टी है जो आपको दिखेगी उसके अंदर, उसका किरदार है, फिक्टिशियस किरदार है. और थोड़ा सा है खतरनाक भी है, पावरफुल भी है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी है, बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहता है. और इसकी अपने तरीके की थिंकिंग है, और ऐसा नहीं किया था किरदार पहले तो इसलिए किया है.